नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज का मेरा इस वीडियो लेक्चर का विषय है सोप एंड डिटर्जेंट, और ये लेक्चर जो है बीएससी पार्ट टू होम साइंस और बीए पार्ट टू होम साइंस की छात्राओं के लिए टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री साइंस के पेपर से लिया गया है। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सोप और डिटर्जेंट होते क्या हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है, इन्हें किन मेथड से बनाया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्लीनिंग एक्शन जो होता है, इनकी सफाई करने की क्रिया किस तरह से होती है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम इस शब्द को सुने भी हैं कि साबुन साबुन साबुन, ये साबुन, कपड़ा धोने का साबुन अलग, बर्तन धोने का साबुन अलग, हमारे अपने उपयोग के लिए साबुन और शैम्पू अलग। तो सोप और डिटर्जेंट जो एक्चुअल में ये हम सब इसको एक ही कहते हैं, लेकिन साबुन और डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट जो है वो दोनों में कुछ अंतर होता है। जैसे कि सोप जो है वो नेचुरल फैट और अल्कली से, वसा और क्षार के मिलाने से इसे बनाया जाता है, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं इनमें कुछ रसायनों का उपयोग भी इनको बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये वाकई में होते क्या हैं और किससे बने हैं। साबुन और डिटर्जेंट जो हैं, ये वस्त्र की धुलाई के लिए पानी के साथ साथ इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, या इनकी आवश्यकता होती है हमें वस्त्रों को धोने के लिए, और इनका सबसे अधिक प्रयोग जो होता है हम करते हैं रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में। साबुन का इतिहास ये आज की चीज नहीं है, काफी प्राचीन इतिहास है, और ऐसा कहा जाता था या ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन रोम में भगवान के समक्ष त्याग के रूप में वहां एक पहाड़ी थी, सैपू पहाड़ी पर वहां के लोग जो थे वो भेड़ और जानवर जो है उनकी बलि देते थे, उनको जलाते थे, और उनके शरीर से जलने से जो वसा होती थी वो पिघलकर पहाड़ी से नीचे नदी तक आती थी, जहां पर की रोमन जो महिलाएं थी वो अपना रोज का कार्य, धुलाई का कार्य करती थी। एक दिन उन्होंने अचानक देखा कि ऐसा कोई पदार्थ है जो पानी के साथ मिलकर वस्त्रों को साफ करने में सहायक है, और तब उन्होंने ये जाना कि पहाड़ पर से जो वसा पिघल कर आती है, साथ ही साथ जलने से जो राख होती है, इन दोनों के मिलने से ये पदार्थ जो है वो तैयार होता है, और इसमें एक प्रकार की सफाई की शक्ति होती है, जिससे कि चीजें जो होती है, वस्त्र उनके या फिर बर्तन उनके जो वो साफ होते थे। तो इस तरह से साबुन का जन्म हुआ और ये चीज जो है वो साबुन कहलाने लगी। पूर्ण उपकरण युक्त साबुन का कारखाना जो था वो पोम्पेई में सबसे पहले आया गया, और यह भी तथ्य पाए जाते हैं इतिहास में कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में इटली, स्पेन और फ्रांस में साबुन उद्योग स्थापित थे या वहां साबुन बनाए जाते थे। सन 1800 के आसपास दो फ्रेंचमैन शेवरिल और लेबलेंक ने साबुन बनाने की वर्तमान रासायनिक जो प्रक्रिया है उसकी खोज की, और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होते तक बहुत सारे छोटे छोटे साबुन उद्योग जो थे गृह उद्योग के रूप में विकसित हो गए थे, और वर्तमान में भारत और विश्व में ये बड़े उद्योगों के रूप में स्थापित है। तो ये तो था इसका इतिहास। अब हम देखते हैं कि साबुन की सफाई क्रिया क्या होती है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन जो है किसी भी चीज को कैसे साफ करता है। तो साबुन जो है वो वस्त्रों में पानी के प्रवेश की क्रिया को आसान बनाता है, और ये वस्त्र के सतही तनाव को तोड़ता है, जिससे साबुन का घोल जो है वो वस्त्र के अंदर शीघ्रता से प्रवेश करता है। साबुन यदि ना भी हो तो भी पानी वस्त्र में प्रवेश करता है, लेकिन यदि साबुन का उसमें घोल हो, साबुन मिला दिया जाए सादी पानी में, तो ये क्रिया जो होती है वो शीघ्रता से होती है। धूल के कण जो होते हैं वो तैली जो गंदगी होती, चिकनाई जो होती है, उसके साथ वस्त्र के ऊपर जमकर मैल का रूप लेते हैं, और साबुन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस वसी या इस तैली गंदगी को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं जो वस्त्र से निकलकर पानी की सतह पर आ जाते हैं, और जब वस्त्र से तैली गंदगी जो होती है वो निकल जाती है, तो इसके साथ चिपके हुए धूल के कण जो है वो भी निकल जाते हैं और पानी पर आ जाते हैं, और जब हम वस्त्र को खंगालते हैं पानी को उसका, तो धूल के कण जो है उसके साथ निकल जाते हैं। इसी तरह से जब पानी
संपर्क में आता है साबुन के या साबुन पानी के संपर्क में आता है तो क्रिया के दौरान क्या होता है, क्षार जो होती है इसमें वो मुक्त हो जाती है और ये तैली गंदगी के साथ मिलकर इमल्सिफिकेशन की क्रिया करती है जिससे कि धुलाई की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। ठीक है, साबुन जब पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इस क्रिया के दौरान क्षार जो उसमें अल्कली जो होती है वो फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है और जो वसीय गंदगी होती है, चिकनाई वाली गंदगी होती है उसके साथ मिलकर ये इमल्सिफिकेशन की क्रिया करती है जिससे धुलाई की क्रिया संपूर्ण होती है, पूरी होती है। अधिकांशतः अतैली गंदगी जो होते हैं वस्त्र को सीधे खाली हम यदि पानी में भी भिगा दें तो भी ये दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में एक मूवमेंट होती है पेडेसिस की, पानी में पेडेसिस की क्रिया होती है जिसमें पानी के कण जो है वो लगातार गति करते रहते हैं और इससे अतैली गंदगी मतलब जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो बिना साबुन के भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरह से साबुन जो है वो उसकी क्लीनिंग एक्शन होती है, साबुन इस तरह से कार्य करता है। एक तो वो पानी के सरफेस टेंशन को कम करता है, उसमें से जो अल्कली फ्री होती है वो तैली गंदगी के साथ मिलकर इमल्सिफिकेशन की क्रिया करती है जिससे धुलाई का कार्य संपन्न होता है। ठीक है, साथ ही साथ साबुन के सरफेस टेंशन को तोड़ने से क्या होता है कि धूल जो वसीय गंदगी होती है, तैली गंदगी, चिकनाई होती है वो अलग होती है, इसके अलग होने से डस्ट पार्टिकल भी अलग हो जाते हैं और पानी में आ जाते हैं जिनको हम हटा लेते हैं। साथ ही साथ पेडेसिस की क्रिया के कारण भी सफाई की क्रिया जो होती है वो इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट की सफाई क्रिया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की सफाई क्रिया भी साबुन के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। डिटर्जेंट से पानी का सतही तनाव कम होता है जिससे पानी की सफाई करने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। डिटर्जेंट शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ऐसा पदार्थ जो सफाई करने में सक्षम हो। साबुन को भी डिटर्जेंट के अंतर्गत ही लिया जाता है पर दोनों में एक मुख्य अंतर होता है कि साबुन प्राकृतिक वसा, तेल और मोम से बनाया जाता है जबकि डिटर्जेंट जो होता है इसमें हम आर्टिफिशियल जो केमिकल्स होते हैं, कृत्रिम रसायन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। साबुन में वसीय अम्ल जो है कार्बन के अणुओं की लंबी श्रृंखला तैयार करते हैं जो हाइड्रोजन अणुओं की सहायता से, ठीक है, किसकी तैयार करते हैं, साबुन में वसीय अम्ल जो होते हैं कार्बन के अणुओं की एक लंबी श्रृंखला या चेन तैयार करते हैं और जो आपस में हाइड्रोजन के अणुओं की सहायता से जुड़े होते हैं। इस लंबी श्रृंखला को हम शब्द R से अभिव्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और परमाणुओं का जो ये R वाला भाग होता है इसे हम डेल कहते हैं और उसके सामने का जो हिस्सा होता है हुक वाला हिस्सा उसे हम हेड कहते हैं। यदि डिटर्जेंट की मात्रा पानी में घोली जाए तो यह देखा जाता है कि साबुन के कण जो है पानी की सतह पर ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं कि परमाणु का जो हेड होता है वो सेंटर की ओर होता है और जो टेल होता है वो बूंदों के आसपास जमा हो जाता है। तो इस क्रिया में मुक्त टेल जो टेल होती है वो फ्री हो जाती है और इसमें ये क्षमता होती है कि वो धूल के कण के साथ जुड़ जाते हैं और जब साबुन निकालने के लिए हम वस्त्र को खंगालते हैं तो ये पानी के साथ निकल जाते हैं। यदि तकनीकी रूप में हम इसे देखें या जानने की कोशिश करें, कहा जाए तो साबुन के परमाणु की टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से दूर जाने वाली होती है और हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है मतलब पानी की ओर ये आकर्षित होती है। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम दिखाया गया है, हाइड्रोफिलिक जो उसका हेड है और हाइड्रोफोबिक जो उसका टेल है। ठीक है, डिटर्जेंट में भी यही होता है किंतु इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि डिटर्जेंट में जो हेड की प्रकृति होती है वो कुछ बदल जाती, परिवर्तित हो जाती है और उसके इस बदलाव के कारण इसमें साबुन से कुछ अलग विशेषताएं जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं या विकसित हो जाती हैं। यह साबुन की अपेक्षा अधिक झाग उत्पन्न करते हैं और पानी के सतही तनाव को भी साबुन से ज्यादा जल्दी कम करते हैं या तोड़ते हैं और यह वस्त्र को शीघ्रता से गीला कर तैली गंदगी को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं। ये देखिए इसमें इस स्लाइड में ये डायग्राम दिखाया गया है, वाटर है, उस पर डर्ट फैब्रिक है, किस तरह से सोप के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इसका हेड वाला पोर्शन जो है सेंटर की तरफ जमा हो रहा है और टेल जो है वो दूर की तरफ हटते जा रहा है।
नेक्स्ट हम देखते हैं साबुन का संगठन या कंपोजिशन ऑफ सोप। जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं कि साबुन किससे बना हुआ है, प्राकृतिक वसा और क्षार से मिलकर बनता है। तो साबुन वसी अम्ल के लवण होते हैं। साबुन वसा या तेल में क्षार मिलाने से तैयार होते हैं और इसके बनाने के लिए हम वनस्पति या प्राणी एनिमल या फिर वेजिटेबल जो भी हमारे पास फैट होता है, वसा होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं। जंतुओं की चर्बी से बना एनिमल जो फैट होता है उससे बना साबुन वेजिटेबल फैट से बने साबुन की अपेक्षा कड़ा होता है, ठीक है। और क्षार के रूप में मुख्य रूप से हम कॉस्टिक सोडा या फिर कॉस्टिक पोटाश जो होता है उसका प्रयोग साबुन बनाने के लिए करते हैं। और सभी साबुन में पानी की मात्रा जो है वो पाई जाती है। साबुन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और कोमल साबुन। कठोर साबुन क्यों होते हैं? क्योंकि कठोर साबुन में अल्कली की मात्रा, क्षार की मात्रा अधिक होती है और ऐसे साबुन पानी में देर से घुलते हैं और वस्त्र पर आसानी से झाग नहीं देते। जबकि जो सॉफ्ट सोप होते हैं, जो कोमल साबुन होते हैं, ये हल्के क्षार का उपयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है और ये पानी में घुलकर बहुत आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं। साबुन की कठोरता और उसकी कोमलता ये दो बातों पर निर्भर करती है। जैसे कोई साबुन कड़ा है या कोई साबुन कोमल है तो क्यों ऐसा होता है? तो ये जो है ये बात उसकी कोमलता और उसकी कठोरता जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो इसे बनाने में किस प्रकार की वसा और क्षार का प्रयोग किया गया है और दूसरा साबुन बनाने की कौन सी विधि का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों बातें मिलकर किसी भी साबुन की कठोरता और कोमल को निर्धारित करती हैं। अब हम देखते हैं कि सेपोनिफिकेशन क्या है। तो सेपोनिफिकेशन जो है ये साबुन बनाने का एक आधारित सिद्धांत है। इसमें क्षार पर वसा की क्रिया कराई जाती है। वसा जो होता है वो वसी अम्ल और ग्लिसरीन में बदल जाता है और वसी अम्ल जो है वो क्षार के साथ मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं। जैसे कि स्लाइड में देखिए आप नीचे की तरफ एक इक्वेशन दिखाया गया है, एक फॉर्मूला दिखाया गया है जिसमें स्टेरीन के साथ हम स्टेरीन जो है फैट उसके साथ हम कॉस्टिक सोडे की क्रिया करा रहे हैं जिससे सोडियम स्टेरेट बनता है और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो होता है वो फ्री होता है इसमें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो वसी अम्ल है वो क्षार के साथ मतलब सोडियम स्टेरेट जो है वो कॉस्टिक सोडे के साथ मिलकर साबुन का निर्माण करता है। तो मुख्य रूप से सेपोनिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, वो साबुन बनाने का एक सिद्धांत होता है। इसमें क्षार पर वसा की क्रिया के दौरान वसा जो होता है वो वसी अम्ल और ग्लिसरीन में परिवर्तित हो जाता है और वसी अम्ल जो होते हैं वो क्षार के साथ मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट दिखाया गया है। व्हेन सोप डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर, सोप डिटर्जेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म फ्री मूविंग एंड आयंस एंड कैटायंस। सोप रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। मतलब जब हम सोप और डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, ये इसमें डिजोल्व हो जाते हैं और एनायंस और कैटायंस जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनको तैयार करते हैं और सोप जो होते हैं पानी के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं या फिर कम करते हैं। डिटर्जेंट्स या सोप जो है वो दो प्रकार के बताए गए। एक तो सोपी होते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं और दूसरा जो होते हैं डिटर्जेंट सोपी मतलब जिसमें हम नेचुरल फैट और अल्कली से जो बनते हैं, और डिटर्जेंट्स नॉन सोपी जो होते हैं वो डिटर्जेंट्स होते हैं जिसमें कि हम केमिकल्स का प्रयोग उसको बनाने के लिए करते हैं। टाइप्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट जो है वो उनके क्लीनिंग एक्शन और उनके उपयोग करने के तरीके के आधार पर ये चार प्रकार के बताए गए हैं। एक तो है पर्सनल क्लीनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाते हैं, दूसरा होते हैं लॉन्ड्री क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, तीसरे होते हैं हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और चौथे होते हैं डिश वॉशिंग प्रोडक्ट्स। इस तरह से ये डिटर्जेंट और सोप जो होते हैं इनकी क्लीनिंग जो एक्शन है उसके और इसके उपयोग करने के आधार पर चार भागों में ये बांटे जा सकते हैं। अब साबुन बनाने की विधियां क्या होती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी विधि है जिसकी सहायता से साबुन बनाया जाता है। तो साबुन बनाने की मुख्य दो विधि होती है, गर्म विधि हॉट प्रोसेस और दूसरी होती है ठंडी विधि या फिर कोल्ड प्रोसेस। तो हॉट प्रोसेस जो होता है उसमें आजकल बाजार में जितने भी साबुन अवेलेबल है वो सारे इसी विधि से बनाए जाते हैं।
हॉट प्रोसेस से बनाए जाते हैं और इसमें सेपोनिफिकेशन की प्रक्रिया से साबुन बनकर तैयार होता है। इसमें क्षार पर वसा की क्रिया कराई जाती है और वसा जो है वो वसी अम्ल में और ग्लिसरीन में बदल जाता है और वसी अम्ल जो है वो क्षार के साथ मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं। इस विधि में वसा जो है फैट उसको पिघलाकर उसे छान लेते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे कॉस्टिक सोडे का, कॉस्टिक सोडा क्या है, क्षार है, अल्कली है ना, तो धीरे धीरे कॉस्टिक सोडे का घोल उसमें मिलाते हैं और जब सेपोनिफिकेशन की क्रिया शुरू होती है तो उसमें सोडा जो है वो हम मिलाते ही रहते हैं। गर्म करने की क्रिया जो है वो 2 या 3 दिन तक लगातार चलती रहती है। हम उसमें सोडा मिलाते हैं और उसको हिलाते जाते हैं और जब यह क्रिया पूर्ण होती है तो बर्तन के ऊपरी हिस्से पर एक मोटी तह के रूप में साबुन की लेयर जो है वो जमी हुई होती है। इस लेयर को हम निकाल लेते हैं और इसके निचले हिस्से में बहुत सी अशुद्धियों के साथ ग्लिसरीन होती है जिसको कि अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से गर्म विधि से साबुन बनाने का कार्य किया जाता है। दूसरी विधि है ठंडी विधि या कोल्ड प्रोसेस। साबुन बनाने की यह विधि बहुत सरल है और इसका उपयोग हम घर पर भी कर सकते हैं। इसमें समय और श्रम दोनों कम लगता है और इस विधि में कॉस्टिक सोडा और वसा की क्रिया जो हम कराते हैं और तैयार मिश्रण को 24 घंटे के लिए रख देते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन इसे बीच बीच में हिलाते रहते हैं और जब यह मिश्रण गाढ़ा होकर पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है तब इसे सांचे में डालकर हम जमा लेते हैं और इस दौरान हम इसमें जो भी कलर डालना चाहे, जैसा भी इसमें हम एसेंस डालना चाहे उसे डालकर उसको हम सांचे में जमा कर साबुन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से साबुन जो है वो 2 विधियों से बनाई जाती है, गर्म विधि और ठंडी विधि। साबुन जो है उसके भी कई प्रकार होते हैं। धुलाई कार्य हेतु उपलब्ध साबुन जो है बार के रूप में आपने देखा होगा, रिन का बार आता है, बट्टी आती है, रिन आता है, सर्फ की बट्टी, लिक्विड सोप आते हैं, पाउडर के फॉर्म में ये मिलते हैं। साबुन के छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं, टुकड़ों के रूप में ये मिलते हैं। सॉल्वेंट सोप के रूप में अवेलेबल है मार्केट में, साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट सोप जो होते हैं वो भी बाजार में पाए जाते हैं। तो एक कुछ प्रकार के साबुन होते हैं जिनका उपयोग हम रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। ये यहाँ पे देखिए कुछ साबुन के एग्जांपल बताए गए हैं। वॉशिंग सोप अलग होता है, टॉयलेट के लिए अलग सोप होता है, डिटर्जेंट पाउडर्स अलग होते हैं, लिक्विड सोप अलग होते हैं, है ना। आजकल हर्बल सोप्स भी आने लगे हैं। तो इस तरह से सोप की बहुत सारी वेरायटी होती है, तो इसको हमें देख कर सोच समझ कर इसका उपयोग करना चाहिए। अब साबुन और डिटर्जेंट के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका उपयोग हम धुलाई के लिए करते हैं, जिन्हें हम साबुन रहित धुलाई के साधन कहते हैं, सोपलेस वॉशिंग रिसोर्सेस। और इसके अंतर्गत आते हैं रीठे का घोल, शिकाकाई का घोल और रासायनिक डिटर्जेंट। रीठा और शिकाकाई जो होता है उसके छिलके को उबाल कर मिलाकर हम घोल बनाते हैं और इसका उपयोग हम रंगीन रेशमी ऊनी और सूती वस्त्रों को इसकी सहायता से हम धो सकते हैं। उसी तरह से शिकाकाई जो होता है इसके गुण भी रीठे से मिलते जुलते होते हैं और इसका प्रयोग मुख्यतः तैलीय गंदगी को हटाने के लिए हम रेशमी और रंगीन जो सूती वस्त्र होते हैं उन पे कर सकते हैं। रासायनिक डिटर्जेंट यह साबुन के विकल्प के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है और यह रसायनों का प्रयोग कर रासायनिक विधियों से बनाया जाता है। ये अत्यंत लोकप्रिय है आजकल बाजार में, ये क्योंकि क्षार फ्री होते हैं, मतलब अल्कली रहित होते हैं, अतः ऊनी रेशमी और रंगीन वस्त्रों को इनसे कोई हानि नहीं होती। अब अच्छा साबुन कैसा है ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे साबुन की जो विशेषताएं हैं उनमें पहला है शुद्ध साबुन जो होता है स्पष्ट पीले रंग का होता है और गहरे रंग के जो साबुन होते हैं जिनका कलर डार्क होता है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, अशुद्धियां होती हैं। तो साबुन हमेशा स्पष्ट और पीले रंग का होना चाहिए जो शुद्ध साबुन कहलाता है। साबुन कड़ा होना चाहिए, यदि साबुन उंगली से दबाने से दब जाए तो इसका मतलब है कि उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है और ऐसे साबुन जो होते हैं वो धुलाई के दौरान बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं क्योंकि पानी से जल्दी बहुत पानी में बहुत जल्दी ये गलने लगते हैं। विशेषकर सस्ते साबुन जो है बहुत अधिक कड़े होते हैं और इसका कारण ये होता है कि इसमें बहुत अधिक क्षार की मात्रा मिलाई जाती है। अत्यधिक पीले आंशिक पारदर्शी साबुन में रेजिन की मात्रा अधिक होती है। झाग भी ये अच्छी देते हैं पर इनकी सफाई करने की शक्ति जो है वो कम होती है।
इसके अलावा ऐसा साबुन जिनकी सतह पर सफेद दाने उभर कर दिखाई देते हैं, कई साबुन की बट्टियां होती है जिसको देखिए आप जब लेते हैं, निर्मा है, रेमी है, सब उसमें कभी चेक करिए, उसमें कई बार जो उसकी सतह पर साबुन की छोटे छोटे सफेद दाने दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्षार की मात्रा अधिक है, ऐसे साबुन का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। एक उत्तम साबुन जो होता है वो तुरंत पानी में घुलनशील होता है और अच्छी तरह से झाग देता है, जिससे सफाई की क्रिया जो होती है अच्छे से संपन्न होती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि साबुन जो है और डिटर्जेंट जो है इन दोनों में क्या फर्क है, इनकी क्लीनिंग एक्शन इनका कैसा होता है, ये किस तरह से कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कौन सी मेथड होती है जिनकी सहायता से इन्हें बनाया जाता है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर वो यूट्यूब में डाला जाएगा और आप चाहें तो वहां पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ताकि मैं आगे भविष्य में और अच्छे लेक्चर्स जो है आपके लिए तैयार करने की कोशिश करूं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।